बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे एस्ट्रो लैब और RIR चूज़ों का 8वां दिन है। तो 8वें दिन इनको ये वैक्सीन होती है, मैं आपके साथ ये तस्वीर शेयर करता हूँ। तो 8वें दिन इनको गम्बोरो DS गम्बोरो वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन से एक दिन पहले 7वें दिन इनको फ्लैशिंग करनी पड़ती है, जैसा कि चौथे दिन और 5वें दिन में किया था। तो वैसे ही चौथे 7वें दिन में भी फ्लैशिंग करनी है। उसके बाद उनको विटामिन देना है, विटामिन देकर तो फिर उसके बाद अगले दिन जो है ना 8वें दिन इनको कुछ देर प्यासा रखकर तो उसके बाद इनको वैक्सीन करनी है, ताकि वो वैक्सीन 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर दें। तो ये था इनका। तो मैं इनको वैक्सीन नहीं कर सका, उसकी वजह ये है कि इनमें स्ट्रेस आ गया था, क्योंकि जैसा कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल मौसम ख़राब हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो अचानक जो है ना बारिश की वजह से इनमें थोड़ा स्ट्रेस आ गया, ये देख सकते हैं आप। तो इनको मैं डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, तो उन्होंने भी मुझे ये, आइए मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। तो ये है दवाई एनरोसिम, तो ये दवाई इन्होंने मुझे रिकमेंड की है। तो ये दवाई मैंने तकरीबन एक दिन पहले, जब रात को, कल रात को ये हुआ था, तो मैंने, मेरे पास ये पहले भी मौजूद थी, तो मैंने इसी से जो है ना रात से इनको शुरू कर दी थी। तो ये 1 मिली लीटर 2 लीटर पानी में ये देनी है इस तरह। तो डॉक्टर ने भी मुझे रिकमेंड ये की है, ये कि टेम्परेचर मेंटेन हो, टेम्परेचर मेंटेन होने के साथ साथ इनको जो है ना जगह इनकी खुली हो, जगह खुली होगी तो जितना ये दौड़ेंगे उतना इनकी सर्दी हज़म होगी, तो इस तरह तो चूज़ा सेहतमंद रहेगा। तो ये देख सकते हैं चूज़ा, चूज़े में स्ट्रेस, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। तो तकरीबन आज तक, आज 8वां दिन है, आज तक तकरीबन 8 चूज़े, जो 8 चूज़े पहले मरे थे, तो 4 चूज़े इस स्ट्रेस की वजह से मरे हैं। तो और साथ ये है कि देखें, गर्मियों में भी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ रहा है, तो पर्दे देखें, बाहर भी बारिश हो रही है तो पर्दे ऊपर किए हुए हैं, देख लें, तो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, ये देख सकते हैं। तो मैंने बाकी फार्म के भी पर्दे ऊपर किए हुए हैं, क्योंकि ये पार्टीशन थी, पार्टीशन के तो अलहदा हिसाब है, लेकिन बाकी फार्म में भी पर्दे ये देख सकते हैं ऊपर किए हुए हैं। तो इस तरह जो है ना इनमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मैं आज इनको वैक्सीन नहीं कर सका। फ्लैशिंग मैंने कल की थी, तो ये भी होता है फ्लैशिंग की वजह से चूज़ा कमज़ोर होता है, तो जब फ्लैशिंग की है तो उसके बाद मौसम भी ख़राब हुआ है, इस वजह से चूज़े में ये असर हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जल्द रिकवर हो जाएगा, ये इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को इस तरह के जो छोटे मोटे मामले हो जाते हैं तो वो समझ आ जाए, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह ये जल्द रिकवर हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं चूज़ा फिट खा रहा है, लेकिन हल्का सा इनको स्ट्रेस आया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा। तो फिर से बता दूं कि 8वें दिन इनको गम्बोरो होती है, तो इसके बाद 16वें दिन वैक्सीन होगी, वो भी गम्बोरो प्लस है, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो एनरोसिम दवाई है, आपने चूज़ों को पहले 3 दिन लगातार देनी है। तो पहले 3 दिन देने का तरीका ये है कि 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी में आप दें इनको, तो ये पहले 3 दिन लाजमी दें। हाँ, बहुत गर्मी हो तो ग्लूकोज भी दें साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।